हमारे पास क्या है, मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट द रेट ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक एट द रेट ऑफ और इफ द होल जर्नी टुक 5 और 40 मिनट द डिस्टेंस वॉज। तो अब अगर हमारे पास जाना आने का दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है, तो हमसे कह रहा है एक्स बाई 25 जाने का टाइम और एक्स बाई 4 आने का टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये हमारे पास जो जाने की स्पीड है वो 25 है, आपने जाने का डिस्टेंस मान लीजिए एक्स ले लिया, तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और रेट वापसी का जो है 4 किलोमीटर पर है एक्स बाय 4, तो टोटल टाइम के लिए प्लस कर दीजिए। लेकिन टोटल टाइम उसने दिया है 5 आवर्स 40 मिनट्स, तो 5 आवर्स 40 मिनट्स को अगर आवर्स में चेंज करेंगे 48 मिनट्स को, डिवाइडेड बाय 60 कर दीजिए, ये वापस आए तो देखो कितना आ रहा है, 12 4 जा 12 5, तो 25 29 29 बाय 5, इधर भी आप सॉल्व करोगे 29 ही आ रहा है, तो 29x/100 आ रहा है जी समझ में। तो आपके पास क्या होगा, 29 से 29 हो गया, 5 से 20 हो गया, तो ये 20 इधर आ गया, तो x is equals to 20, the distance was कितना distance? मैं उसी पेपर पे लिख के करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पेपर है वहीं पे हम सॉल्व कर लेंगे, और वो भी ज्यादा लिख रहा हूँ आपके लिए, तो इतने टाइम में इतने स्पेस में हमारा क्वेश्चन सॉल्व